हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? सो टुडे आई एम हेयर विद यू विद अ न्यू टॉपिक इन द डोमेन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज़ नथिंग बट लैप लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। जो भी प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स हैं, उन्होंने लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई बार सुना होगा कि डेवलपमेंट लेंथ या लैप लेंथ 47.5 दे दीजिए आप, 57.5 दे दीजिए आप, 50.5 दे दीजिए आप, 65 दे दीजिए आप। इस तरह की चीज़ें आपने कई बार सुनी होगी या ड्राइंग में देखी भी होंगी, जैसे डेवलपमेंट एंड लैप लेंथ बाई डिफरेंट एक्सपर्ट क्या कहते हैं। 45 कुछ कहते हैं, कुछ 47.5 कहते हैं, कुछ 55 कहते हैं, और कई बार हम ये वैल्यू 75 तक भी एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों की ये समझ में नहीं आ पाता कि कब डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेनी है, कब लैप लेंथ कितनी लेनी है। इसी चीज़ को लेकर आज मैंने लेक्चर बनाया है। इसमें मैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कभी भी लाइफ में आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला। थ्रेटिकली में से सबसे पहले IS 456 कोड क्या कहता है इस बारे में, और प्रैक्टिकली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आधा वीडियो आप देखने वाले हैं तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ डेवलपमेंट लेंथ? जानते होंगे आपने अपनी क्लासेस, जो बीटेक क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इट इज़ द बार लेंथ दैट मस्ट बी इम्प्लांटेड इन टू द कॉन्क्रीट टू जनरेट इनफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या मतलब हुआ इसका सिंपल वर्ड्स में? इसका मतलब सिर्फ ये है, मान लीजिए कोई ये बीम है और ऊपर से इसमें कोई लोडिंग आ रही है। लोडिंग होने के बाद ये इस तरह से ये डिफ्लेक्ट होगी बीम, आप सभी जानते हैं। डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन हमेशा टेंशन में आता है और ऊपर वाला पोर्शन हमेशा कॉम्प्रेशन में आता है। तो इस टेंशन और कॉम्प्रेशन की वजह से आपकी जो ये वाली बार है, ऊपर और नीचे वाली बार, इस कंक्रीट के अंदर जितनी भी एम्बेडेड है वहाँ से ये स्लिपेज हो सकती है, बॉन्ड टूट सकता है। तो डेवलपमेंट लेंथ की मीनिंग ये है कि कितनी लेंथ ऑफ बार को हम कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड करें कि इसमें स्लिपेज ना हो, बॉन्ड बना रहे, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट लेंथ। अब इसे कैसे निकालेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड, लैप लेंथ क्या होता होगा ये भी आप जानते होंगे, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स रोज़ इस तरह के टॉपिक से रूबरू होते रहते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, मार्केट में जो भी हमारी स्टील बार, जैसे आप सरिया कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो अवेलेबल है मार्केट में, दैट लेंथ इज़ 12 मीटर। आपकी 12 मीटर की लेंथ की ही आपकी स्टील बार आपको जनरली मिलती है, इसके ऊपर मिलना काफ़ी मुश्किल होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करते समय कई बार ऐसा होता है कि स्पैन आपका बहुत बड़ा होता है, तो 12 मीटर की लेंथ की स्टील बार आपके लिए पूरी सफिशिएंट नहीं होती है। उस केस में बड़े स्पैन पे हमें दो बार को जोड़ने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, उसे कहते हैं लैप। जब आप दो बारों को जोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैप। तो इट इज़ द लेंथ प्रोवाइडेड टू अलाउ ओवरलैप ऑफ द टू रीइन्फोर्समेंट। दो रीइन्फोर्समेंट को जोड़ने को ही हम लैप लेंथ कहेंगे। जितनी लेंथ पे ये ओवरलैप होती है, दैट इज कॉल्ड लैप लेंथ। एक चीज़ और ध्यान रखें यहाँ पर, आप जब भी कोई दो बार आप लैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो आपने ये बीम, आपको ये ऊपर का स्टील बार आपको दिख रहा होगा, ये हल्का सा मोड़ रखा है हमने, ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसे कहते हैं जॉगल करना। मोस्ट ऑफ द केसेस साइट पे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, पर डू नॉट इग्नोर दिस। कोड भी से स्पेसिफाई करता है कि आप एक बार को जॉगल जरूर करें ताकि अच्छी बॉन्डेज दोनों बारों के बीच में बन सके। सिमिलरली कॉलम की अगर मैं बात करूं, कॉलम में भी बार्स को लैप करने से पहले जॉगल करना जरूरी है, और जॉगल हमेशा ऊपर वाली बार की जाती है, ये भी आप ध्यान दें। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बताया डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है और लैप लेंथ क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं फिर से। फिर से मैं वही बात कहूँगा, डेवलपमेंट लेंथ एंड लैप लेंथ, जो डिफरेंट एक्सपर्ट है, डिफरेंट कंपनीज है, कुछ 45 बोलते हैं, कुछ 47 बोलते हैं, और ये सारी फिगर हैं, अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि कब कौन से इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए डेवलपमेंट लेंथ जो मैंने अभी आपके लिए डिस्क्राइब की है, उसका एक फॉर्मूला IS कोड में दिया है, दैट इज डेवलपमेंट लेंथ LD इज इक्वल टू 5 σs अपॉन 4 τ BD। पहले ही ध्यान रखें, ये डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब बार आपकी टेंशन में, टेंशन का मतलब इस तरह से लोडिंग पड़ रही है आपकी बीम में कि बार बाहर आने की कोशिश कर रही है, तब हम बार को कहेंगे कि बार इज इन
टेंशन। मान लीजिए ये आपका कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर जब ये बीम अगर इसे मान लिया जाए तो बार इस तरह से बेंट होगी, तो उस केसेस पे ऊपर वाली बार आपकी क्या होगी, टेंशन में होगी, और नीचे वाली बार आपकी कंप्रेशन में होगी। तो टेंशन में अगर ये लिखा है मैंने यहाँ पर, देख सकते हैं आप, फॉर बार इन टेंशन, अगर बार टेंशन में, तब डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आपका फाई सिग्मा एस अपॉन फोर टाउ बी डी होगा। जब बार कंप्रेशन में है तब डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आपका फाई सिग्मा एस टी अपॉन फाइव टाउ बी डी होगा। इसमें नीचे फोर आता है और इसमें नीचे फाइव आता है। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये बात बैठा लें अपनी कि डेवलपमेंट लेंथ के दो फार्मूले हैं, टेंशन के लिए ये वाला है और कंप्रेशन के लिए ये वाला है। सिर्फ वहाँ पे डेनोमिनेटर में फोर है, यहाँ पे डेनोमिनेटर में फाइव है, ठीक है। और ये फोर और फाइव की जो थ्योरी है वो ये है कि जब बार आपकी कंप्रेशन में होती है तो टाउ बी डी की वैल्यू 25% बढ़ा दी जाती है। तो टाउ बी डी को अगर मैं 25% बढ़ा दूँ तो 1.25 टाउ बी डी रखूँगा और 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 1.25 को, तो ये फॉर्मूला निकल के फाई सिग्मा एस टी अपॉन फाइव टाउ बी डी आ गया। तो ये तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, टेंशन के लिए और कंप्रेशन के लिए, डेवलपमेंट लेंथ के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं वो क्या क्या हैं। फाई डाया है बार का, अब इसमें आती है सिग्मा एस टी, क्या है, वैसे नीचे लिखा है कि स्ट्रेस इन बार एट सेक्शन कंसिडर्ड एट डिजाइन लोड। सिग्मा कुछ नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ है बस, ठीक है। अब ये निकालनी कैसे है, सिग्मा एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मैंने नीचे से लिखा है आगे से। सिग्मा एस इजिकल टू होता है एफ वाई अपॉन 1.15, 1.15 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है आपका स्टील के लिए। और इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एफ वाई अपॉन 1.15 इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई। एफ वाई क्या है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार। फॉर एग्जाम्पल आप एफ ई 415 स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं तो एफ वाई की वैल्यू 415 हो जाएगी। अगर आप माइल्ड स्टील मीन्स एफ ई 250 इस्तेमाल कर रहे हैं तो एफ वाई की वैल्यू 250 हो जाएगी। आप एफ ई 500 इस्तेमाल कर रहे हैं तो एफ वाई की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आप एफ वाई की वैल्यू रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट फाई डाया है और सिग्मा एस टी की वैल्यू होती है 0.87 एफ वाई, जहाँ पर एफ वाई आपका ग्रेड है। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाउ बी डी क्या है। टाउ बी डी है बॉन्ड स्ट्रेस। इसकी वैल्यू के लिए आई एस कोड में एक टेबल दी गई है, टेबल को देखकर आप टाउ बी डी की वैल्यू ले सकते हैं। उस टेबल को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, आपको समझने के लिए आसानी होगी। अब टाउ बी डी की वैल्यू पिक करते समय आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि किस ग्रेड का कंक्रीट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रेड के हिसाब से टाउ बी डी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, एज वेल एज किस टाइप की बार आप अपने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी टाउ बी डी की वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो रहा लिखा है मैंने, और नीचे लिखा है फॉर प्लेन बार। यहाँ पे प्लेन बार का मतलब है माइल्ड स्टील, प्लेन बार मीन्स माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील मीन्स एफ ई 250, एफ वाई की वैल्यू यहाँ पर 250 होगी। बट माइल्ड स्टील अब प्रैक्टिस में नहीं है, ये प्लेन बार हुआ करते थे आज से 30-40 साल पहले, जब आपने पुराने कंस्ट्रक्शन में देखा होगा उस बार के ऊपर लक्स और रिप्स नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल प्लेन हुआ करती थी। तो ये बार अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट है डिफॉर्म्स बार इन टेंशन। डिफॉर्म बार का मतलब यहाँ पर है एच वाई एस डी बार, इसके अंदर एफ ई 415 और एफ ई 500, तो इन दोनों बारों को हमने ज्वाइंट फॉर्म में डिफॉर्म बार का नाम दिया है। अब आपको यहाँ पर वैल्यू देखनी है टाउ बी डी की वैल्यू। अगर मैं एम 20 और एफ ई 415 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एम 20 के लिए डिफॉर्म बार है एफ ई 415, टाउ बी डी की वैल्यू 1.92 है। अगर मैं एम 25 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो, और डिफॉर्म बार मेरे पास है एफ ई 415, तो टाउ बी डी की वैल्यू होगी। अगर माइल्ड स्टील इस्तेमाल कर रहा हूँ तो माइल्ड स्टील के लिए डिफरेंट ग्रेड में टाउ बी डी की वैल्यू होगी। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो टाउ बी डी की वैल्यू हम डायरेक्ट इस टेबल से पिक कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यही जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी उसे थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से डेवलपमेंट लेंथ आपको निकालनी है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में जनरली हम एफ ई 415 और एम 20, यही कॉम्बिनेशन हम बेसिकली मोस्टली यूज़ करते हैं अपने जनरल कंस्ट्रक्शन में। इस कॉम्बिनेशन के लिए डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी, टेंशन के लिए कुछ और होगी और कंप्रेशन के लिए वैल्यू कुछ और होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट लेंथ अगर टेंशन के लिए निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एल डी इजिकल टू फाइव सिग्मा एस टी अपॉन फोर टाउ बी डी। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए डेवलपमेंट टेंशन में फाइव
और सिग्मा एस की वैल्यू मैंने 0.87 एफ वाई रख दी, और एफ वाई की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, एफ ई 415 है, तो एफ वाई की वैल्यू यहाँ पर 415 आ जाएगी, और 4 टाउ बी डी, टाउ बी डी की वैल्यू एफ ई 415 और एम 20 के लिए, टेबल से देखते हैं, एम 20 और ये एफ ई 415 डिफॉर्म बार है, एफ ई 415, तो 1.92 मैंने वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए डेवलपमेंट लेंथ टेंशन के लिए, अगर बार टेंशन में, तो इसे कैलकुलेट करके 47 फाई आपका आता है, 47 फाई इसकी वैल्यू होगी। ओके, एफ वाई की वैल्यू मैंने 415 रखी है क्योंकि एफ ई 415 ग्रेट था। इसी कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं डेवलपमेंट लेंथ कंप्रेशन में निकालूँ तो फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाएगा, जैसे ही ऊपर लिखा है एल डी कंप्रेशन इज इक्वल टू 5 सिग्मा स्टी अपॉन 5 टाउ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा, 5 हो गया, 5 हो गया, टाउ बी डी की वैल्यू वही हो जाएगी, और यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के लिए डेवलपमेंट लेंथ इन कॉम्प्रेशन आपकी 37.65 आ जाएगी, फाई जहाँ पर डाई ऑफ बार है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल अपने कंस्ट्रक्शन में मैं एफ ई 500 और एम 20 कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ टेंशन वही 5 सिग्मा स्टी अपॉन 4 टाउ बी डी हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, एफ वाई की जगह यहाँ पर 500 आ जाएगा, जैसे यहाँ एफ वाई की जगह 415 आ रहा था, यहाँ पर 500 आ जाएगा। टाउ बी डी की वैल्यू क्या होगी, दूसरा क्वेश्चन ये है, एम 20 और एफ ई 500 टेबल में देखते हैं, एम 20 और एफ ई 500, देखो ये एच वाई एस डी जो मैंने लिखा है डिफॉर्म बार, इसके अंदर दोनों ही चीज़ें आ गई हैं, एफ ई 415 भी इसी के अंदर आती है और एफ ई 500, दोनों को दोनों ग्रेट एच वाई एस डी बार में ही आते हैं, तो दोनों के लिए ही टाओ बी डी की वैल्यू 1.92 होगी एम 20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। ओके, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के रखी है। इसी तरह से डेवलपमेंट ले तो कंपर्शन के लिए भी हम निकाल सकते हैं, केवल फॉर्मूला चेंज होता है और बाकी वैल्यू ऐसे एज इट इज़ आ जाएंगी। तो अभी तक तो आपने ये समझा कि डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालना है। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि डेवलपमेंट लेंथ एक तो स्टील और कंक्रीट के कॉम्बिनेशन में डिपेंड करती है, दूसरा इस बात पर भी डिपेंड करती है कि बार आपकी टेंशन में है या कॉम्प्रेशन में है। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा और आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये देखिए आप, ये टेबल मैंने IS-45 से ली है, जो चीज़ अभी मैंने मैनुअली कैलकुलेट की है IS-456 में, ये ऑलरेडी आपको टेबुलेटेड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो इसे पढ़ते हैं, डेवलपमेंट लेंथ फॉर बार्स फॉर डिफरेंट स्टील टाइप एंड डिफरेंट कॉन्क्रीट मिक्स। अब देख लीजिए जो वैल्यू अभी हमने निकाली है क्या वो लगभग इतनी आ रही है या नहीं आ रही है, इस बात को हम चेक करते हैं। हमने निकाला है एफ ई 415 और एम 20 के लिए, देखते हैं हम टेंशन में, तो ये टेबल देख सकते हैं, डेवलपमेंट लेंथ फॉर बार इन टेंशन, टेंशन के लिए अलग टेबल दी गई है कोड में, और यही डेवलपमेंट लेंथ फॉर बार इन कंप्रेशन के लिए अलग दी गई है। तो सबसे पहले मैं टेंशन की बात कर लेता हूँ, 415 और एम 20 के लिए, के का मतलब ये है कि फाई के साथ, जो ये आपने लिखा कि एल डी इजिकल टू के फाई, वेयर के इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, के का मतलब है कि फाई को हटा के जितना भी एक कॉन्स्टेंट है इसे के से रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे आप। तो मैंने अभी एफ ई 415 और एम 20 के लिए बात करी थी, तो मेरा 47 फाई आना चाहिए ये, तो मैं देखता हूँ मैंने कैलकुलेशन करके सही निकाला है ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं एफ ई 415 20 के लिए टेंशन में 47 फाई आपका ये वैल्यू आई है, और इसी इसी फॉर्मूले से इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया गया है, तो अब आपको ये डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हम देखते हैं एफ ई 500 और एम 20 के लिए, तो कितना आ रहा है एफ ई 500 और 20 के लिए, 57, और 5 से आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है ऊपर, देखते हैं हमने कितना निकाला है। देख सकते हैं आप टेंशन के लिए 500, एम 20 के लिए 57 फाई वैल्यू आई है। ठीक है, इसी तरह से हम डेवलपमेंट लेंथ फॉर बार इन कंप्रेशन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, मैं देखता हूँ एफ ई 415 और एम 20 के लिए 38 फाई आ रहा है, हमने कितना कैलकुलेट किया है, हमने देखिए कैलकुलेट किया 37.65, तो देट इज ऑलमोस्ट 38 फाई। ओके, इसी तरह से कंप्रेशन की बात हम कर रहे हैं, कंप्रेशन में हम देख सकते हैं एफ ई 500 और एम 20 के लिए 46 आ रहा है ऑलमोस्ट, देखते हैं हमने क्या किया है। ये कॉम्बिनेशन है
और कंप्रेशन के लिए देखते हैं 45.35, दैट इज ऑलमोस्ट 46.5। तो ये वैल्यू मैंने आपको विथ फॉर्मूला और मैनुअल कैलकुलेशन से भी निकाल के बता दी है, और साथ साथ में ये भी बता दिया है कोड में जो टेबल है वहाँ से ये वैल्यू बिना कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट भी उठा सकते हो, बट आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि किस फॉर्मूले से किस तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट की गई है। तो अब तक हमने जो पढ़ा, मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट लेंथ ग्रेड ऑफ स्टील ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है, दूसरा इस बात पर भी डिपेंड करती है कि बार आपकी टेंशन में है या कंप्रेशन में। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, ये तो थ्रिटिकल वैल्यू आपकी आई है जो कोड बताता है फॉर्मूले के हिसाब से। प्रैक्टिकली जनरली क्या माना जाता है, जैसे आप पहली वाले ग्रेड के बात कर लीजिए 415 एंड M20, ये वैल्यू जो 47.5 है, ये मोस्ट ऑफ द जो बड़ी कंपनी L&T हो गया आपका, SCC हो गया, इस 47.5 को 50.5 मान लिया जाता है प्रैक्टिकली जब हम डिज़ाइन करते हैं। ओके, सिमिलरली यही LD कंप्रेशन की बात हम करें, ये 37.65 है, प्रैक्टिकली से 45 मान लिया जाता है। इसी तरीके से 57.5 से 60.5 मान लिया जाता है, और ये 45.35 जो है इसे भी 50.5 मान लिया जाता है। ये ट्रेडिशन है जो प्रैक्टिकली डिजाइनिंग में आप जहाँ भी प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स होंगे इन वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर इस्तेमाल कर लेते हैं सेफर साइड में आने के लिए। ओके, थोड़ा सा अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कब हमारी बार डेवलपमेंट लेंथ जो हमने डिफाइन की, कब हमारी बार टेंशन में होगी, कब हमारी बार कंप्रेशन होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप, मुझे लग रहा है आपको विजिबल हो गए, ये एक बीम है, बीम की फिगर मैंने ली है, नीचे भी बार है ऊपर भी बार लगाई है। अब आप ये देखिए, जब इस बीम में ऊपर से लोडिंग पड़ेगी आपकी इस तरह से, तो ये बीम किस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, ये बीम आपकी ऐसे डिफ्लेक्ट होगी इस टाइप से। जब बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, आपका नीचे वाली बार आपकी टेंशन में होगी ये वाली बार, और ऊपर वाली बार आपकी कंप्रेशन में होगी। मुझे लग रहा है इतनी बात सब जानते होंगे, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इसका मतलब नीचे वाली बार जब टेंशन में है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो ये वाली डेवलपमेंट लेंथ है, मतलब टेंशन बार की अगर मैं डेवलपमेंट लेंथ की बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक होगी, टेंशन बार की डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक, ये आपको दिख रहा होगा, ये टेंशन बार की डेवलपमेंट लेंथ है आपकी। ओके, आप ये नीचे वाली बार टेंशन में, तो इसकी डेवलपमेंट लेंथ कितनी होगी, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन है तो डेवलपमेंट लेंथ बार टेंशन में कितनी आ रही है आपकी, 47.5। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस कंडीशन में ये वाली बार आपकी 47.5 ये डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी 47.5, इसे प्रैक्टिकली 50.5 ले लेते हैं। बट यही बात अगर मैं ऊपर करूँ, ऊपर की डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे मैंने शो कर रखी है, ऊपर वाली बार की डेवलपमेंट लेंथ आपकी ये होगी, ये दिखा रखा है आपको, ये कितनी होगी, फिर से अपने टेबल पे जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है, इस कॉम्बिनेशन के लिए कंप्रेशन में डेवलपमेंट लेंथ 37.65 है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये वाली बार ऊपर वाली बार जो कि कंप्रेशन में, इसकी डेवलपमेंट लेंथ 37.65 होनी चाहिए थ्योरेटिकली कोर्ट के हिसाब से, बट जनरली प्रैक्टिस में हम इसे 40.5 भी मान लेते हैं, कई बार अगर हम ज़्यादा सेफर साइड होने तो हम दोनों को ही 50.5 मान लेते हैं। ये तो लगभग 50.5 आ ही रहा था, तो हम कहते हैं कि भाई ये 37.5 है, हम सेफर साइड रहना चाहते हैं तो इसे भी हम 50.5 कर लेते हैं। बट थ्रेटिकली आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी थ्योरी क्या है, कितनी वैल्यू आती है, और आप कितने सेफर साइड जाना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू एंड ऑन द कंपनी यू आर वर्किंग विथ। तो मुझे लग रहा है डेवलपमेंट लेंथ की दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी कि कब डेवलपमेंट लेंथ टेंशन में होती है, कब कंप्रेशन में होती है, और कितनी कितनी वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लैप लेंथ में। देखिए लैप लेंथ के बारे में कोड क्या कहता है, लैप लेंथ मैंने आपको बता दी है, दो रिइंफोर्समेंट को जोड़ने के लिए जो बार हम इस्तेमाल करते हैं उसे लैप लेंथ कहते हैं। पहला आप यहाँ दे सकते हैं, पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, लैप लेंथ इन कॉम्प्रेशन, क्या लिखा है मैंने, LD और 24.5 विच एवर इज ग्रेटर। कोड IS 456 कहता है कि लैप लेंथ इन कंप्रेशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगर बार कंप्रेशन में LD और 24.5 विच एवर इज ग्रेटर, फाइव आपका बार का डाया है। तो अभी आपने LD देखा होगा इस टेबल पे,
कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा लीजिए आप, कोई सा भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का उठा लीजिए आप, वैल्यू आपकी हमेशा 24/5 से ऊपर ही है, हर जगह आप 36, 35, ऑलमोस्ट सभी के लिए आपके 24 से ऊपर है। तो इट मीन्स जब हम लैप लेंथ इन कॉम्प्रेशन की बात करेंगे तो एल डी और 25 विच एवर इज ग्रेटर में एल डी ही हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि एल डी की वैल्यू हर जगह, कहीं आपकी 45/5 है, कहीं 47/5 है, कहीं 45 है, तो हर स्थिति में एल डी की वैल्यू 24/5 से ऊपर ही आती है। तो लैप लेंथ इन कंप्रेशन को जनरली हम ये कह देते हैं कि एल डी, बहुत एक्सपर्ट को आपने कहते हुए सुना होगा कि लैप लेंथ भी एल डी के बराबर ही होती है, उसका उसका जो रीज़न है वो यही है। इसी क्लॉज से हम करेंगे, इस क्लॉज को हम फेल नहीं कर सकते, ये कोड में लिखा है, बट एल डी हमेशा 24/5 से बड़ा ही आता है, इसलिए एल डी ही मान लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लैप लेंथ इन फ्लेक्सुरल टेंशन, इसमें कोड क्या कहता है, कितनी होनी चाहिए। पहले मैं आपको फ्लेक्सुरल टेंशन का मतलब समझा देता हूँ। फ्लेक्सुरल शब्द का मतलब सिंपल बेंडिंग है। अगर मैं इस बीम में बात करूँ तो जब ये बीम आपकी इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी तो नीचे वाली बार आपकी क्या होगी, टेंशन में, और ऊपर वाली बार कंप्रेशन। पर इस टाइप की टेंशन को, इस तरह की टेंशन हो रही है, बेंडिंग टेंशन है, तो इस टाइप की टेंशन को बेंडिंग टेंशन या फ्लेक्सुरल टेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लेक्सुरल टेंशन का मतलब अगर यहाँ पे कोई दो बार आप स्प्लाइस कर रहे हो तो उनकी लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए। लैप लेंथ इन फ्लेक्सुरल टेंशन एल डी और 35/5 विच एवर इज ग्रेटर। तो पहले आप एल डी निकालेंगे किसके लिए, टेंशन के लिए, क्योंकि टेंशन की बात हो रही है, तो अब ये डिस्कस हम कर चुके हैं एल डी टेंशन के लिए कैसे निकालनी है। और 35 विच एवर इज ग्रेटर, तो ग्रेटर हमेशा एल डी ही होने वाला है, क्योंकि एल डी की वैल्यू 35 से ऊपर ही आती है। तो आप यहाँ पे इसे इजीली समझ पा रहे होंगे कि लैप लेंथ अगर फ्लेक्सुरल टेंशन में है, फ्लेक्सुरल टेंशन का मतलब नीचे वाली बीम में अगर कोई दो बार आपको जोड़नी है तो आप हमेशा इसे एल डी के बराबर देंगे। अब लैप लेंथ इन कंप्रेशन का मतलब सीधा सीधा ये है, और लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन का मतलब क्या है, मैं एक फिगर बना के बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी एक बार ये स्टील की और एक बार स्टील की आपकी ये है, और ये इसकी आपकी लैपिंग हो रखी है। अगर ये कॉलम है, कॉलम में अगर स्प्लाइसिंग हो रही है तो कॉलम हमेशा कंप्रेशन मेंबर है, हमेशा कंप्रेशन ही आने वाला है कॉलम में। तब हम यहाँ पे देखें तो लैप लेंथ इन कंप्रेशन क्या कह रहा है हमारा कोड, एल डी और 25/5 विच एवर इज ग्रेटर। तो कॉलम के केस में लैप लेंथ क्या होगी, एल डी होगी। ओके, मीन्स लैप लेंथ इस तरह की कंडीशन होगी, एल डी होगी। एल डी कैसे निकालनी है, कंप्रेशन के लिए निकालनी है, अभी पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं हम। ठीक है, उसके बाद एक केस और दिया है कोड में, लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन। अगर दोनों बार टेंशन में, तब लैप लेंथ क्या होगी, तब लैप लेंथ आपकी 2 LD और 35 विच एवर इज ग्रेटर होगी। बट ये वाला केस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि दो बार जब होती है जनरली वो कंप्रेशन ही में आती है, टेंशन में आने की संभावना बहुत कम होती है। मान लीजिए यही बार है और इसमें टेंशन में कैसी होगी, एक फोर्स ऐसा ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स ऐसा नीचे की तरफ लग रहा है। मान लीजिए प्रैक्टिकल कहीं ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, बार कंप्रेशन, बार आपकी टेंशन में और लैपिंग में। तो यहाँ पर आपका कोड क्या कहता है कि लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन, यहाँ पर लैप लेंथ क्या होगी, 2 LD और 35 विच एवर इज ग्रेटर। आप कैलकुलेट करेंगे पहले 2 LD की वैल्यू टेंशन के लिए, इस केस में टेंशन में, और अगर कंप्रेशन में है वो कॉलम का केस, वो आपको मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पर आपकी आई थिंक द कॉन्सेप्ट वुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कि डेवलपमेंट लेंथ मैंने आपको पहले डिस्क्राइब करी और लैप लेंथ के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कोड क्या कहता है, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कहीं भी अगर पूछे तो आपको कोड की ये तीनों गाइडलाइंस आपको मालूम होनी चाहिए। अब इस गाइडलाइन को देख कर भी आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से लैप लेंथ हम डिसाइड करते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए नीचे, एक पॉइंट और लिखा है मैंने, इफ़ डाई ऑफ बार ग्रेटर देन 36 mm, देयर इज़ नो स्प्लाइसिंग बट वेल्डिंग इज डन। कहने का मतलब ये है, जब दो बार को आपको स्प्लाइसिंग करनी हो, लैपिंग करनी हो, अगर इन दोनों बार का डाया 36 mm से ज़्यादा है तो इसमें आप बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इसे वेल्डिंग करेंगे, ऐसा आपको एडवाइस किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक दिस वीडियो, कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा नया जानने को मिला होगा।
तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं ऐसे ही टॉपिक जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।